के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सी जी बी एस सी नर्सिंग में एग्जाम फॉर्म फिल किया आप लोगों का काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बी नर्सिंग का जो है काउंसलिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप और आप कोई भी गलती ना करें काउंसलिंग में अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको जो कॉलेज मिल रहा होगा वो भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा और आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट डी कराने के लिए और एडमिशन का टाइम भी आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपका एडमिशन प्रोसेस में आपको जो है बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग में कितने रैंक वालों का जो है सिलेक्शन होगा और उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए कितने सीटें हैं और आपको जो है काउंसलिंग कैसे करना है और आप में से बहुत से स्टूडेंट ने जो है अपना कमेंट करके बताया है कि मेरा रैंक कितना है कैटेगरी रैंक ऑल ओवर रैंक आपने बताया है आप जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था उन कमेंट का सभी का मैं रिप्लाई करूंगा तो वी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक जरूर देखिए आप लोगों के लिए मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूं लेकिन आप लोग एक दो मिनट देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं आपका जो कमेंट है उन्हीं कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और मैं आपको बताऊँगा कि कितने रैंक वालों का जो है सलेक्शन होगा और कितने रैंक में आपका कॉलेज मिलेगा तो कट ऑफ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बी नर्सिंग का कटअप दो हज़ार में कुछ इस तरह से हो सकता है मैं आपको बता दूँ कि ऑल ओवर रैंक तो जैसे कैटेगरी हो गया जनरल हो गया बी हो गया एस हो गया एस हो गया और ये ऑल ओवर रैंक है और ये रैंक जो है कैटेगरी रैंक है हैं समझिए इस बात को तो अगर जनरल कैटेगरी वाले आप हो तो आपका ऑल ओवर रैंक अगर 950 है और कैटेगरी रैंक 945 दोनों के बीच में अगर आता है आठ हो या सात दोनों के बीच में अगर आपका आता है तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा वही वो बीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका ऑल ओवर रैंक 1415 है और कैटेगरी ऑल ओवर रैंक 1415 और कैटेगरी रैंक 605 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा एस सी की बात करें तो आपका तीन है ऑल ओवर रैंक और कैटेगरी रैंक तीन सौ पचास तीन सौ पचपन के बीच में है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा वहीं एसटी टी की बात करें तो आपका ऑल ओवर रैंक छः हज़ार छियानवे भी है अगर आपका कैटेगरी रैंक 160 के बीच में है दोनों के बीच में अगर आपका आता है कैटेगरी रैंक और ऑल ओवर रैंक दोनों के बीच में रहता है ये जो मैंने बताया है तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा कुछ इस तरह से आपका जो है होना चाहिए तो आपका कॉलेज मिलने में कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना कैटेगरी रैंक बताइए ऑल ओवर रैंक और आप कौन से कैटेगरी के हैं ऐसे ए सी एस टी जनरल जो भी कैटेगरी के, के हैं वो अपना नीचे कमेंट करके बता सकते हैं जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और सही जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप का सर मेरा ऑल ओवर रैंक चौदह कैटेगरी एस सी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में सात ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें जो जिनका टॉप टाइम टॉप टेन रैंक रहेगा उन्हीं को कॉलेज मिलेगा लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा और इनका बात करें कि इन्होंने अपना जो है कैटेगरी नहीं बताया फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ऑल ओवर रैंक उन्नीस है और कैटेगरी रैंक जो है सात सौ इकसठ है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस कम है लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और आरती साहू का क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग सर तो गुड मॉर्निंग मेरा ऑल ओवर रैंक तीन सौ तीन है कैटेगरी रैंक एक सौ अट्ठाईस है मुझे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलेगा क्या मैं बी सी से हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आरती जी आपका रैंक जो है कैटेगरी रैंक और ऑल ओवर रैंक दोनों ही बहुत अच्छा है आपको जो है हंड्रेड परसेंट आप श्योर रहिए कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो सात गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो टॉप टू में रह गए या टॉप थ्री में उन कॉलेज को आप सेलेक्ट मत करना जो सात गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से आप पाँच कॉलेज या तीन कॉलेज जो अप्लाई कर सकते हैं आपको जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आप निश्चिंत रहिए राजू गुप्ता का क्वेश्चन है कि ऑल ओवर रैंक पाँच हज़ार छः सौ इक्यासी कैटेगरी में दो हज़ार बावन गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आप दोनों के बीच में हैं शायद ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का तो कोई चांस नहीं है प्राइवेट कॉलेज के लिए आप जो है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में भी आपका नहीं आएगा सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में भी भले ही आपका नंबर लग सकता है सोनम का क्वेश्चन है सर ऑल ओवर रैंक पंद्रह कैटेगरी ए रैंक दो हज़ार प्लीज़ बताइए क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट तो मैं आपको बता दूं कि आपको तो ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा सोनम जी और ना ही कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि आपका रैंक ऑल ओवर रैंक बहुत ही ज़्यादा है और कैटेगरी रैंक आपको ना गवर्नमेंट मिल पाएगा ना ही प्राइवेट कनक पाल का क्वेश्चन है ऑल ओवर रैंक ग्यारह ओ बी सी कैटेगरी ओ बी सी से है ये और कैटेगरी रैंक जीरो विच कॉलेज आई कैन गेट तो मैं आपको बता दूं कि आपका कैटेगरी रैंक जीरो दिखा रहा है तो आप एक बार अच्छे से और चेक कीजिए क्योंकि कैटेगरी रैंक दिखाना चाहिए ऑल ऑल ओवर रैंक ग्यारह है तो आप अपना मार्क्स भी बताइए ना कि आपका मार्क्स जो है कितना है क्योंकि ऑल ओवर रैंक का ग्यारह तो आप तो टॉपर में गिनती आ गए लेकिन आपका रैंक और मार्क्स जो है एग्जैक्ट आप अच्छे से कमेंट कीजिए तभी मैं आपको बता पाऊंगा और दिव्या साहू का क्वेश्चन है कि सर गवर्नमेंट की कितने सीट हैं प्लीज़ बताइए तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने सीटें हैं मधु चंद्र का क्वेश्चन है ऑल ओवर रैंक ग्यारह और कैटेगरी रैंक चार सौ उनहत्तर ओ से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या प्लीज़ रिप्लाई तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो थो थोड़ा कम चांस है मधु जी लेकिन आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और इनका क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग में ऑल ओवर रैंक ऑल ओवर रैंक इनका तिरालीस कैटेगरी रैंक पंद्रह सौ है ओ कैटेगरी से ये आते हैं तो कॉलेज इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कम चांस है प्राइवेट कॉलेज के लिए आप देखिए लुकेश का क्वेश्चन है कि बॉयज़ में टोटल गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीट कितना है तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बॉयज़ इतना और मेल फीमेल का इतना तो आप काउंसलिंग कीजिए और आपके और रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होगा इनका क्वेश्चन है संजीवनी चौहान का कि सर मेरा ऑल ओवर रैंक दो हज़ार है कौन सा कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट या प्राइवेट तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा स्वीटी राठौर का क्वेश्चन है सर ये बी एस पी यानी बिलासुर का गवर्नमेंट कॉलेज है वो सी आई एम एस है क्या तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नर्सिंग कॉलेज है वो सात जो है गवर्नमेंट है और बाकी सभी तो अप्रूव्ड कॉलेज है तो आप जो है सी आई एम एस उसी में भी अगर आप करना चाहते हैं जैसे कि आप बिलासपुर के गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो रहेगा अप्रूवल क्योंकि वो तो गवर्नमेंट से है और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज भी रहते हैं वो भी अप्रूवड ही रहते हैं तो आप निश्चिंत रहिए और आपका जो भी डाउट है कि सी आई एम एस है तो हाँ है और गजानंद चौहान का क्वेश्चन है कि एस सी कैटेगरी दो हज़ार पाँच सौ चौवन रैंक है गवर्नमेंट में होगी कि नहीं होगी तो आपका जो है नहीं होगा गवर्नमेंट में मीनाक्षी गुप्ता का क्वेश्चन है कि पेमेंट नहीं करना क्या काउंसलिंग में तो पेमेंट करना है काउंसलिंग में तो काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हो तो आप कहाँ से पेमेंट कीजिएगा मैंने यहाँ काउंसलिंग का वीडियो बनाया कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है लेकिन आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा दीपांजलि रजवाड़े का क्वेश्चन है सर ऑल ओवर रैंक पाँच सौ तिरानवे कैटेगरी ओ रैंक दो है सर प्लीज़ बताइए क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो मैं आपको बता दूँ दीपांजलि जी आपको कॉलेज मिल जाएगा आप निश्चिंत रहिए और फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहती हैं तो जो सात गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से जो टॉप फोर कॉलेज है उनको सिलेक्ट मत कीजिए सात है जो तीन कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको और बाकी कॉलेज और सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि टॉप को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा अजय नाम का क्वेश्चन है सर मेरा ऑल ओवर रैंक सात है कैटेगरी रैंक एच और पच्चीस सौ इकसठ है क्या मुझे कॉलेज मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा ना ही आपको गवर्नमेंट मिल पाएगा और ना ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा ये तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के काउंसलिंग उसके बाद थर्ड राउंड के काउंसलिंग कितने सीटें बचता है उसके हिसाब से लेकिन आपको भाई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा और अब मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है बयासी नर्सिंग कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में नर्सिंग के कुल बारह हज़ार दो सौ दो सीटें हैं बारह हज़ार आप इस बात को समझिए बारह हज़ार दो सौ दो सीटें हैं और बयासी नर्सिंग कॉलेज है तो बयासी नर्सिंग कॉलेज में जो है सात गवर्नमेंट कॉलेज हैं और पचहत्तर जो है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है और आपका सिलेक्शन यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट में हो जाता है फिर प्राइवेट में तो आपको दोनों में ही स्कॉलरशिप मिलेगी स्कॉलरशिप के अलावा आप निश्चिंत रहिए तो आपके पास जब एडमिशन प्रोसीजर होगा डा डी कराना पड़ेगा तो आपके पास जो है आय जाति निवास आपके दसवीं बारहवीं का मार्ग सीट फोटो और आपका आधार कार्ड बैंक पासबुक और आपका टीसी माइग्रेशन ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना ही चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आप जो है सी जी वेबसाइट में जाकर आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं और अच्छे से काउंसलिंग कीजिए अभी तो काउंसलिंग फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ और जैसे स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को मिल सके और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया है आपका कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट uh, कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और जो भी स्टूडेंट बी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर उन्होंने काउंसलिंग काउंसलिंग वो करना चाहते हैं तो आप अपना कैटेगरी रैंक ऑल ओवर रैंक कितना है ये सभी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं तो मैं सभी चीज़ों को अच्छे चीज़ से बता पाऊँगा तो, तो मिलते हैं